अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जैसा कि आपने टाइटल में देखा, हाउ टू लूज फैट फास्ट हेल्थ एक्टिविटी के मुतालिक वीडियो है। मैं तो यूजुअली जो है जिम करता हूं, और आजकल जो है वो ये कोविड की वजह से जिम जो है बंद है हमारे इलाके में। तो अपनी हेल्थ एक्टिविटी जिस तरह से मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं कि जब भी मुझे टाइम मिले तो कुछ ना कुछ हेल्थ एक्टिविटी की जाए, तो वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो है हमारी हेल्थ जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले वॉक कीजिए। वॉक बड़ी ज़रूरी है, वॉक से बेहतर है अगर आपको रनिंग का टाइम है तो रनिंग कीजिए। सबसे पहले रनिंग कीजिए। रनिंग जो है वो पहले दिन ही आपसे ज़्यादा नहीं होगी, रनिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है, आपका स्टेमिना बनता है और डे बाय डे आप देखिएगा कि आपकी रनिंग में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। रनिंग बेसिकली जो है वो लंग्स की एक्सरसाइज है, फेफड़ों की एक्सरसाइज है। इससे आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, तो आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बड़ा हेल्दी रहता है। तो आप रनिंग कीजिए, जितनी आपसे हो सके आप कीजिए रनिंग, और डे बाई डे आपकी ये रनिंग जो है इंक्रीज़ होगी, और रनिंग से आपका जो अंदर का बॉडी का सिस्टम है वो सब ठीक रहेगा। रनिंग जैसे कि मैंने बताया डे बाई डे इंक्रीज़ होगी जितनी आपसे हो सकती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना है। वॉक करें, वॉक से बेहतर है कि रनिंग करें, और रनिंग जितनी हो सकती है उतनी करें। रनिंग के बाद आप थोड़ा सा बिल्कुल ही ना रुकें, थोड़ा वॉक करते रहें जहाँ भी आप कोई भी जगह आपको मिली है, जहाँ भी आप गए हैं, और थोड़ा बहुत अपने बॉडी को स्ट्रेच करें। रनिंग के फौरन बाद आप थोड़ा सा वॉक करते रहें और बॉडी को स्ट्रेच करें। उसके बाद जो सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है वो जंपिंग जैक है। जंपिंग जैक के 8 से 10 जो रेप्स हैं वो कीजिए। जो इसकी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, वार्म अप करने के लिए सबसे बेहतर है। उसके बाद स्ट्रेचिंग कीजिए कमर की, और जो लव हैंडल्स हैं अपने थाइज़ की। स्ट्रेचिंग से इससे ये होता है कि ये जब भी हम आम रूटीन में हमारे ये मसल जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। हम आम रूटीन में चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, लेटते हैं, तो मोस्टली मसल जो है हमारे इस्तेमाल नहीं होते हैं। मसल अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो उसमें पावर नहीं रहेगी। तो स्ट्रेचिंग कीजिए, इन मसल को थोड़ा हिलाइए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि हम भी हैं। उसके बाद जो है रूटीन में रहें, थोड़ा सा अपनी सांस को बहाल करें, और जो एक पावरफुल एक्सरसाइज है पुशअप, जितने आपसे लग सकते हैं आप उतने लगाएं, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें, और पुशअप जितने आपसे इजीली लग सकते हैं पहले ट्राई में आप उतने लगाएं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये एक थोड़ी सी ऊंची जगह का इस्तेमाल किया, ये टायर यहाँ मौजूद था उससे किया। इससे ये होता है कि चेस्ट का जो अंडर हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, उस पर थोड़ा ज़ोर पड़ता है। चेस्ट की जो अंडरलाइन है उस पर, चेस्ट के 3 हिस्से होते हैं, नीचे का हिस्सा, दरमियान का और ऊपर का। तो जब आप थोड़ा सा ऊँचा होकर पुशअप लगाएँगे तो चेस्ट के नीचे वाले हिस्से पर ज़ोर पड़ेगा, उस मसल पर ज़ोर पड़ेगा और उस मसल की ग्रोथ होगी। स्ट्रेचिंग रखें,
जब भी कोई भी जो है एक्सरसाइज ख़त्म करें, थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करें, अपने सांस को बहाल करें, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे जो है वो सेटअप लगा रहे हैं। तो सेटअप के बहुत सारे तरीके हैं, अपने पाँव को किसी जगह पे फंसा के आप लगा सकते हैं। नॉर्मल जो है किसी साथी की मदद ले सकते हैं, वो आपके पाँव पे वहाँ रख के भी सेटअप जो है आप कर सकते हैं। तो जितने आपसे हो सकते हैं सेटअप कीजिए, ये थोड़ा सा पेट के मसल जो है उनको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। और सेटअप लगाते हुए आपने बिल्कुल ये थोड़ा ध्यान रखना है कि झटका नहीं लगाना है, कि झटका जब आप थोड़ा सा झटके से उठेंगे तो आपकी गर्दन में बल पड़ सकता है, जो है किसी भी मसल को जो है जितना स्मूथली हो सकता है उतना स्मूथली जो है ये एक्सरसाइज कीजिए। जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिए। तो इसके बाद रिलैक्स करें, अपने जो सांस है उसको बहाल करें, स्ट्रेचिंग करें। नेक्स्ट जो है स्ट्रेट बिल्कुल सीधे लेवल पे पुशअप, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, कोशिश करें सामने देखें, जितने आपसे पुशअप लग सकते हैं आप लगाएं। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पुशअप और सेटअप भी साथ करें, आप स्ट्रेचिंग करें रनिंग के बाद, आप नॉर्मल जो जंपिंग जैक और स्ट्रेचिंग थी वो करें, उसके बाद नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा तो आप पुशअप सेटअप की तरफ भी चले जाएं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम जो है किस तरह से नॉर्मल लाइफ के अंदर थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी हेल्थ एक्टिविटी को जारी रख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइम से पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जीते रहें, खुश रहें।